नेक्स्ट वर्ड है बच्चे नैक। देखिए नैक का मतलब होता है कुशलता, योग्यता, किसी भी काम को करने के लिए जो आपके अंदर योग्यता होती है, कुशलता होती है, स्किल होती है, एप्टीट्यूड होता है, एजिलिटी होती है, उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, नैक। मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि आपको सिर्फ 10 से 15 दिन मेरे साथ मेहनत करनी है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो कैप्स हो जो मैं आपको YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, अगर आप बच्चे इसे फॉलो करते हैं, तो एक वर्ड हमने आपके साथ डिस्कस किया था पहले से, डेक्सटेरिटी, यह वर्ड डिस्कस हो चुका है, और उसमें हमने सिमिलर वर्ड आपको बताया था कि नैक होता है। अब इसने आगे चल करके क्या पूछ दिया, नैक वर्ड पूछ दिया आपके एग्जामिनेशन में, तो मैंने आपसे कहा था कि सारे शब्दों को बच्चे ध्यान रखना, तो कभी डेक्सटेरिटी पूछेगा, कभी नैक पूछेगा, कभी एप्टीट्यूड पूछेगा, कभी पूछेगा, कभी एड्रॉइटनेस पूछेगा, कभी डेफ्टनेस पूछेगा, कभी सावी पूछेगा, कभी इंजेन्युइटी पूछेगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहां लिखा है कि भाई नैक का मतलब क्या होता है, कुशलता, एन एक्वायर्ड आर नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को करने के लिए जो इंसान के अंदर नेचुरल स्किल होती है, योग्यता होती है, उसी को हम लोग नैक बोलते हैं। अब जैसे बच्चे देखिए, एक वर्ड तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ डेक्सटेरिटी, कुछ शब्द मैं और लिखता हूँ, पहले आसान से शुरू करता हूँ, जैसे एबिलिटी, ये सारे बच्चों को पता होता है। मैं बात करूँ बच्चे एजिलिटी, ये भी देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड भी बच्चों को पता होता है। कुछ शब्द की बच्चे बात और करते हैं आगे, जैसे एप्टीट्यूड के बाद अगर मैं बात करूं सावी, इसको सेवी नहीं पढ़ते हैं, दैट इज सावी। एक वर्ड है बच्चे इनजेन्युइटी, इनजेन्युइटी शब्द ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है हमारे सामने डेफ्टनेस, ठीक है। एक शब्द और है बच्चा प्रोफिशिएंसी, एड्रॉइटनेस, राइट। अब देखिए आपने ना घबराना नहीं है, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं आप लोगों को कि आज एक देखिए बहुत काम का सजेशन सभी लोगों को दे रहा हूं और इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अगर यहां पे भाई अगर आप गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, टोटल 9 है, 8 मैंने लिख दिए हैं। तो बच्चों को लगेगा कि सर नैक वर्ड है, इसका इतना याद कैसे होगा, तो ये क्या है कि आप अपने दिमाग को पहले से समझा देते हो इस बात को कि ये बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत ही हर्क्यूलियन टास्क है, बहुत ही अपहिल टास्क है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दिमाग को ये बात समझाया जाए कि इसमें है क्या भाई, ठीक है, ये तो हम बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, रीज़न क्या है। अगर हम बात करें एबिलिटी, ये तो हमें पहले से पता है, एबिलिटी से मिलता जुलता एजिलिटी है, यहाँ पे ILITY कॉमन है, वहाँ पे ए भी है और यहाँ पे ए जी है, लो याद हो गया भाई एबिलिटी एजिलिटी। उसके बाद एप्टीट्यूड सारे बच्चों को पता होता है, और अगर जो चीज़ें नहीं है, देखिए प्रोफिशिएंसी ये भी बच्चों को पता होता है, भाई आपके लिए यहाँ पे नया क्या है, आपके लिए नया हो सकता है कि सावी हो, एक वर्ड, आपके लिए नया हो सकता है इंजेन्यूटी हो, ठीक है, आपके लिए बेटा नया हो सकता है डेफ्टनेस, और उसके साथ एक वर्ड यहाँ पे एड्रॉइटनेस, ठीक है। कितने शब्द हैं बच्चा यहाँ पे, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे डेक्सटेरिटी को भी अगर ले लूँ तो हमारे पास 5 शब्द हैं, जबकि डेक्सटेरिटी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया तो वो आपको याद ही होगा, खैर पढ़ाया तो मैंने, ये सब भी आपको पहले से है, यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने और नए जोड़े हैं जैसे सावी और इंजेन्यूटी, बाकी शब्द हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई बच्चे का क्लास ये पहले दिन का है तो उसे यहाँ से समझना है, तो बेटा वर्ड तो हमें 5 ही तो याद करने हैं, 5 से ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो आप लोगों को घबराना थोड़ी है कि भाई इतने वर्ड हैं, तो अपने दिमाग को हर चीज़ के लिए समझाओ कि आसान है, और पहले से बहुत चीज़ें हमें पता होती है, जो नहीं पता होती है बच्चे उसी चीज़ को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। अब एक बात और, एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा नैक करके ही दे। देखिए जैसे पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था तो डेक्सटेरिटी करके दिया था, ठीक है, अब नैक करके दिया, आगे हो सकता है एड्रॉइटनेस करके वर्ड दे दे, इसमें से किसी ऑप्शन में कोई वर्ड और दे दे इसका सिनोनिम पूछ रहा होगा, डेफ्टनेस दे सकता है, सावी दे सकता है, इंजेन्यूटी दे सकता है, इसमें से कोई दे सकता है, और अगर इसका सिमिलर वर्ड पूछेगा तो इसमें से किसी एक ऑप्शन भी रख देगा, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा है भाई जितने शब्द मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जामिनेशन में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कारण ये है कि पूरे एग्जामिनेशन को मैंने गो थ्रू किया है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने गो थ्रू किया है, प्रॉपर एनालाइज किया हुआ है, उन शब्दों को पिक किया है जो आपका एग्जामिनेशन पूछता है, ठीक है बेटा। तो आपने सिर्फ मेहनत करनी है, आपको इन्हीं को नोट्स बना करके याद करना है, और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज़ें बच्चे क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम भी देखो ऑलरेडी मैंने बताया था, लैक आप लिख सकते हैं, लैक के साथ बच्चे आप लिख सकते हैं डिस इंक्लाइनेशन, ठीक है जी। देखिए यहां पे भी आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्या वर्ड है, ये तो बड़ा
डिफिकल्ट लग रहा, नहीं भैया इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन आ गया। कभी भी जिम में गलती से भी गए होगे ना, कहते हैं भाई इंक्लाइन बेंच प्रेस कर लो, डिक्लाइन बेंच प्रेस कर लो, फ्लैट बेंच प्रेस कर लो, राइट। तो इंक्लाइन, तो इंक्लाइन यहां पे बस DIS जोड़ो, डिस इंक्लाइनेशन हो गया, इग्नोरेंस, ठीक है बच्चे। और अगर यहां हम एबिलिटी की बात करें तो एक इजी है काफी, इनएबिलिटी। अगर इसमें इसका आपसे अपोजिट वर्ड पूछता है तो ये सारे हो जाएंगे। अगर दे दिया भाई सावी, सावी का अपोजिट इनएबिलिटी भी दे सकता है, इग्नोरेंस, डिसइंक्लाइनेशन, लैक, कुछ भी दे सकता है इसमें से। क्लियर हो गई बात। अच्छा, लैक मतलब अभाव होता है, तो बच्चे हम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई जो स्किल्ड लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता, मतलब अभाव इन द सेंस स्किल को लेकर के कोई अभाव नहीं होता। लेकिन अगर भाई कोई इंसान है, अगर उसके अंदर स्किल्ड नहीं है तो हम लैक बोल सकते हैं, लैक का मतलब अभाव हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अभाव इंसान के अंदर स्किल का हो, किसी भी चीज़ का अभाव हो सकता है बच्चे। मतलब मोरल वैल्यूज़ का भी अभाव हो सकता है पैसे का भी अभाव हो, या किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन इस सेंस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो लैक हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है इलब्रिड। इलब्रिड मतलब होता है जी असभ्य, बैडली ब्रॉट अप, मतलब जिसका पालन पोषण बहुत ही बुरी तरीके से हुआ हो, बुरी तरीके से मतलब जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिले हों, जिन्हें ये नहीं समझ है कि बातचीत कैसे करते हैं, अपने बड़ों से अपने छोटों से कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो लोग असभ्य होते हैं, जंगली तरह के होते हैं वो, जैसे रूड बोल सकते हैं, अनकाउथ बोल सकते हैं। ये देखो जो इसका बच्चे सिमिलर वर्ड है अनकाउथ, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ध्यान देना इसको, ठीक है। काफ़ी पूछता है एग्जामिनेशन, तो इलब्रिड भी पूछता है, तो इलब्रिड का अनकाउथ तो एक हो गया। अच्छा, कुछ शब्द और हैं बच्चे, आसान से शुरू करेंगे हम लोग, जैसे रफ, ठीक है, हार्स। अब देखिए कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसको रफ और हार्स के बारे में नहीं पता हो जी। एक ऑलरेडी यहां पे दे रखा है बच्चे रूड, लो जी तीन हो गए आपको याद हो गए। अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो रूड के बाद बच्चे जैसे एक वर्ड होता है ना कोर्स, काफी पूछा जाता है। कोर्स के बाद एक वर्ड है आपका हॉर्स, ये भी पूछा जाता है। एक वर्ड है बच्चे ब्लंट, पूछा जाता है। कोई ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं जाता, सब पूछे जाते हैं। जैसे आपका ग्रफ हो गया, ये पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे हम बात करें क्लम्सी, क्लम्सी मतलब होता नहीं है फूहड़ जो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई सहुर नहीं होता, बेढंगे लोग होते हैं, ठीक है, वो होता है। जैसे एक वर्ड है आपका बारबैरिक, बारबैरिक वर्ड होता है, ठीक है। और एक तो आपने ये सुना होगा ना बच्चे अनसिविलाइज्ड, एक सिविलाइज्ड होता ना, सिविलाइज्ड वो होते हैं जो सभ्य होते हैं, लेकिन हम बात असभ्य लोगों की कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे इसके सिनोनिम्स हैं। तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं, घबराना नहीं है, पहली बात मैं बार बार ये बोलता हूं क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज है कि मेरे बच्चे घबराएं नहीं, डट के मुकाबला करें। मैं भी इंसान हूं, अगर मैं लिख सकता हूं तो आपको भी याद हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे देखो बच्चे एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, आठ है, नौ है, दस है, बस दस ही तो है, इससे ज़्यादा कहाँ है। अब देखो जी इसमें कितने आपको पहले से याद होंगे, रफ सारे बच्चों को पता है, हार्स बच्चों को पता है, रूड बच्चों को पता होगा, ठीक है। क्लम्सी यूजुअली बेटा पता होता है लोगों को, फिर भी अगर मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन देखो बारबेरस हो गया, बारबेरिक हो गया, भाई इसके लिए मना मत करना, ये तो पता होता है। अनसिविलाइज्ड पता होता है, मुझे लगता है कि आपको जिन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दैट इज़ कोर्स। लेकिन अगर कोर्स की बात करें तो उसके बगल में एक लिखा है हॉर्स, कैसा प्यारा सा राइम बन रहा है बेटा, कोर्स हॉर्स, कोर्स हॉर्स, कोर्स हॉर्स, लो तीन बार पढ़ लिया याद हो गया, कोर्स के साथ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स नहीं है ये हॉर्स है, ठीक है जी। अब देखो जी यहाँ पे ब्लंट, मैं मानता हूँ कि भाई हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, ग्रफ, तो बच्चा कितने वर्ड पे मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पे चार और एक ऊपर वाला लिखा है पांच, पांच ही तो आपको तैयार करने हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ें आपकी तो ऑलरेडी क्लियर है, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है इसका एंटोनिम। अगर बेटा इसके एंटोनिम की बात करें तो एक तो पॉलिश्ड हो जाएगा, पॉलिश्ड, सफोस्टिकेटेड, डेलिकेट, मेलेडी, मेलेडियस, सूदिंग लिख लेना बेटा, एक और पूछा जाता है,
इतने ही शब्द हैं, ज़्यादा नहीं है, और इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, ठीक है। अब खुद एक बार मैं हट जाता हूँ, बच्चा एक बार ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लग रहा है क्या कोई इसके अंदर डिफिकल्ट लिखा गया है? कोई भी डिफिकल्ट नहीं लिखा है। सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है, देखो जैसे यहाँ पे हमने बोला भाई, जो रफ होते हैं, हार्श होते हैं, जो असभ्य होते हैं, क्लियर। अब अगर उसका उल्टा बात करें तो बच्चे सोफिस्टिकेटेड वो लोग होते हैं ना जो काफ़ी डिसेंट होते हैं, ठीक है, सुशील होते हैं, जो सभ्य होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं, डेलिकेट उनको हम बोल सकते हैं। डेलिकेट का मतलब एक होता है बच्चे, मतलब नाजुक तो होता है, डेलिकेट का मतलब जैसे जो लोग हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, ठीक है, जो वेल मैनर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं डेलिकेट। मेलेडी लिया क्या, आप मेलेडी नाम सुनते ही भाई आप धुनों में खो जाते हैं, यार क्या मेलेडी है भाई, मेलेडी उससे, लेकिन मेलेडी का मतलब हम्बल भी होता है बच्चे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, मैंने ये दोनों साथ में क्यों लिख दिया, मेलेडी और मेलेडियस, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो भाई, मेलेडी भी दे सकता है, मेलेडियस भी दे सकता है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। लेकिन ये है बच्चे, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो ये नाउन होता है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, बस इतना ही अंतर है। सूदिंग, ठीक है, सूदिंग वर्ड हमें पता ही है, तो ये शब्द। और पॉलिस्ड, ठीक है, कहते हैं ना कि भाई थोड़ी मेहनत तो तुमने कर ली है, बस थोड़ा तुम्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है। पॉलिश करने का मतलब यहाँ पे बेटा है कि खुद को और बेहतर बनाने से, ठीक है, खुद को और बेहतर बनाने से है। पॉलिश का मतलब खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करने से है। पॉलिश का मतलब हम्बल होने से है, ठीक है, सभ्य होने से है। तो अब देखिए यहाँ पे इतने शब्द हो गए आपके, आप इसको लिखते चलिएगा और जिन चीज़ों को मैं बोलता हूँ उनको उस तरीके से आप याद करते चलिएगा, फिर आपको धीरे धीरे बच्चे आगे मजा आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड बच्चे डिमेंटेड है। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। बिहेविंग इरेशनली, मतलब किस तरीके से बच्चे व्यवहार करना, इरेशनली। इरेशनली का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। इरेशनल का मतलब होता है बच्चे जैसे इलॉजिकल, ठीक है, या आप कह सकते हो बेसलेस, राइट। तो इलॉजिकल बोल सकते हैं हम लोग, बेसलेस बोल सकते हैं। तो कुछ लोग व्यवहार करते हैं एक तरीके से अनरीजनेबल, आप बेटा ये भी बोल सकते हो, ये सब भी आपको काम देगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, अनरीजनेबल। अब जैसे मान लीजिए आप व्यवहार कर रहे हैं, अगर किसी तरह का, अगर आप किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, अगर वो रीजनेबल है, अगर उसके पीछे कोई लॉजिक है, ठीक है, अगर वो रीजनेबल है तो चलो बात समझ में आती है। लेकिन अगर चीज़ें जो बच्चे बेसलेस होती हैं, आधारहीन होती हैं, जो इलॉजिकल होती हैं, अनरीजनेबल होती हैं, उनको तो पागल ही बोलोगे ना अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे। ड्यू टू एंगर, अच्छा वो कैसा बिहेव करते हैं, इरेशनली बिहेव करते हैं, और किस कारण से करते हैं, लिखा है ड्यू टू एंगर, गुस्से की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे, डिस्ट्रेस का मतलब होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीफ, ठीक है, GRIEF, ग्रीफ मतलब हो गया बच्चे शौरो, मतलब जो इंसान कभी कभी ना उसका हार्ट ब्रेक हो जाए, या अगौनी हम लोग बोलते हैं ना बच्चा, अगौनी बोलते हैं, ठीक है, या आप एंजाइटी बोलते हो, राइट, एंजाइटी हम लोग बोलते हैं। तो एंजाइटी है अगर ग्रीफ है या अगौनी है, ठीक है, एक्सट्रीम सौरो, तो उसकी वजह से, गुस्से की वजह से अगर इंसान इरेशनली बिहेव करता है तो उसको हम लोग इडियोटिक बोलते हैं, डिमेंटेड बोलते हैं, यानी पागल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ इसके बच्चे सिनोनिम है जो आपको ध्यान रखना है, वो सिनोनिम देखिए क्या क्या है। एक तो ल्यूनेटिक वर्ड काफ़ी पूछा जाता है तो आपको इसको ध्यान रखना है। ल्यूनेटिक के साथ बच्चे एक वर्ड है डाफ्ट, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। डाफ्ट के साथ ये जो वर्ड है ना, इरेशनल, इरेशनल, आप इस शब्द को भी लिखिएगा, ये बड़ा प्यारा शब्द है। तो इरेशनल है, डाफ्ट है और ल्यूनेटिक है, ठीक है। इनसेन आप बोल सकते हैं बच्चे, यहाँ पे इनसेन आप बोल सकते हैं। उसके साथ अगर आप कह रहे हो सर इरेशनल है, तो क्या ये सारे भी इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं क्या, जैसे ये इलॉजिकल है, बेसलेस है, अनरीजनेबल है? जी बिल्कुल बन सकते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन आपने इतना ही ध्यान देना है कि इरेशनल, इलॉजिकल, बेसलेस, अनरीजनेबल सारे के सारे इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं, लेकिन वो इजी हैं, फिर भी आप अपने लिए ध्यान रखना उसको, ठीक है, ये भी सिनोनिम्स हैं। और ये डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस वर्ड बच्चे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स मत लिखना, डिस्ट्रेस अलग चीज़ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पागल की, इडियोटिक की, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रेस का मतलब होता है अगौनी, ये अलग है, मैंने लिख दिया, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप तो यहाँ पे डिमेंटेड पढ़ रहे थे, लेकिन साथ में आपको एक वर्ड और मिल गया डिस्ट्रेस, तो इसका भी ध्यान रखना। ग्रीफ हो गया, एंजाइटी हो गया, अगौनी हो गया, एंग्विज हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चे इसके एंटोनिम की, अगर हम लोग बात कर लें कि भाई इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब बच्चे अगर हम अपोजिट की बात करें, तो अगर हम वहाँ पे इरेशनल लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, रेशनल। सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे बच्चा हम देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक तो रेशनल तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन सेन एक वर्ड होता है, प्यारा सा लिखिएगा,
एक वर्ड होता है बच्चे आपका प्रूडेंट, प्रूडेंट वर्ड होता है, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान होता है। अब जैसे अब ये वर्ड अगर मैं लिखूं यहाँ पे इंटेलिजेंट, तो यूजुअली बच्चों को ये तो पता होता है ना भाई इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, क्योंकि यहाँ पे हम बात पागल की कर रहे हैं। अगर इसका उल्टा बात करेंगे अपोजिट तो हो जाएगा भाई इंटेलिजेंट। उसके साथ अगर हम बच्चे बात करें इंटेलिजेंट के साथ साथ, तो एक वर्ड और है आपका डिस्क्रीट लिखना, ठीक है। डिस्क्रीट के साथ आप बच्चे ज्यूडिशियस भी लिख सकते हैं, ज्यूडिशियस, ठीक है, जुडिशियस हो गया। यहाँ पे इरेशनल है तो बच्चे आप यहाँ पे रेशनल लिख सकते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ये पूछा जाता है तो इसलिए लिखूंगा, बच्चा छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि देखिए मैं वो सारे शब्दों को लिखता हूँ जो पूछे जाते हैं, उन शब्दों को बच्चे हम छोड़ देते हैं जो पूछे नहीं जाते हैं। जुडिशियस हो गया आपका, डिस्क्रीट हो गया, ठीक है, श्रीड हो गया। और एक वर्ड बेटा और लिख लो, कहाँ लिखूँ इसको मैं, यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह दिख रहा है, विजिलेंट लिख लेना बेटा, विजिलेंट। अब देखो एक तरीका बता रहा हूँ तुम सभी लोगों को, जैसे ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे डिमेंटेड दे दिया, तो डिमेंटेड का जो सिनोनिम्स हो गया वो क्या हो गया, ल्यूनेटिक, ठीक है, डाफ्ट, इरेशनल, इनसेन, ये हो गया। मान लो बच्चे इसका अपोजिट पूछेगा, तो अपोजिट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं मैंने, सेन भी ऑप्शन में आ सकता है, प्रूडेंट भी आ सकता है, इंटेलिजेंट, डिस्क्रीट, ज्यूडियस, ज्यूडिशियस, रेशनल, विजिलेंट और श्रीव्ड आ सकता है, राइट। अच्छा जी, एक बात और बच्चे आपको ध्यान देनी है, वो क्या कि आपको लग रहा हो सर यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड लिख दिए हैं, ठीक है, टोटल शायद 8 वर्ड्स हैं, तो इसमें सारे वर्ड हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो कैप शो जो मैं चला रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते आ रहे हैं तो ये ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बच्चे ये वर्ड खैर काफ़ी इजी है, इंटेलिजेंट, उसके अलावा सारे शब्दों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सारे के सारे बहुत ही प्यारे वर्ड हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ बच्चे, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से मत देखा करो कि ये इसका सिनोनिम है या एंटोनिम है, ऐसे मत रटो, तरीका बता रहा हूँ, बहुत बार बताया हूँ। मान लो बच्चा अगर इरेशनल वर्ड पूछ दिया आपको, इसका अपोजिट पूछ दिया, तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, राइट। मान लीजिए बच्चे डिस्क्रीट पूछ दिया, अगर डिस्क्रीट का सिनोनिम पूछ दिया तो देखो इसमें से सारे वर्ड है रेशनल, श्रीव्ड, आपका जुडिशियस, विजिलेंट, कुछ भी आ सकता है। सपोज बच्चे विजिलेंट वर्ड पूछ दिया तो विजिलेंट का सिनोनिम पूछ दिया तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें याद करने का तरीका, कैसे तुम याद करते हो चीज़ों को कि इसका अपोजिट, इसका सिनोनिम, इस तरीके से भी तो चीज़ें ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो हमको जैसे सेन वर्ड है तो सेन के पूरे सिनोनिम हो गए, इंटेलिजेंट के पूरे सिनोनिम हो गए, डिस्क्रीट वर्ड का बच्चा पूरा सिनोनिम हो गया, ये तो सारे शब्द आपके तैयार हो रहे हैं। बस फोकस करके डेली एक टाइम बना लो सुबह का, 10 मिनट आधे घंटे, 10 मिनट रिवीजन का, आधे घंटे पढ़ने का। तो डेली इसी तरीके से अपना रूटीन फॉलो करो, सुबह उठो पुराना वाला रिवाइज करो, आगे का पढ़ो, फिर उसको दोपहर में एक बार ऐसे खाना वाना खा रहे हो कुछ कर रहे हो देख लो पलट के, शाम में सोते टाइम पलट के देख लिया, सुबह फिर वही करो रूटीन में, तो देखोगे सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। अच्छा हॉटी की बात करें बच्चे, हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है बेटा, हॉटी मतलब देखो एक होता है आपका घमंडी, ठीक है, एरोगेंट हम जिसको बोलते हैं, एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल, कंसीटेड, एक वर्ड यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है जो इसके सिनोनिम में है, दैट इज कंसीटेड, इसको कंसाइटेड नहीं पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कंसीटेड, अच्छा वर्ड है ध्यान देना। उसके साथ अगर मैं इजी शब्दों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तो एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट के बाद इगोटिस्टिक, ध्यान दीजिएगा बच्चे ये इगोटिस्टिक लिखा हुआ, इगोइस्ट नहीं लिखा हुआ, दैट इज इगोटिस्टिक, ठीक। और कुछ शब्द लिखूंगा मैं, और यहाँ पे देखो एक वर्ड डिसडेनफुल बच्चे पहले से लिखा हुआ है, डिसडेन फुल एक वर्ड है बच्चा, कैवेलियर, और एक वर्ड है आपका कंटेम्प्टचुअस, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि किन शब्दों पे जोर देने की जरूरत है बच्चे, ये कंटेम्प्टचुअस पढ़ते हैं, कंटेम्प्टचुअस, राइट। तो कंटेम्प्टचुअस की स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि स्पेलिंग इसलिए याद रखना, CONTEMPTUOUS, तो ये मिस स्पेल्ड में पूछा जा सकता है और यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे ऐसे जब वर्ड मिले सामने ना तो इनकी स्पेलिंग भी ध्यान रख लिया करो, कैवेलियर की भी ध्यान रख लेना, ठीक है। कैवेलियर अच्छा वर्ड है, CAVALIER, इसमें तुम्हें कंफ्यूज कैसे करेगा, ई पहले दे देगा आई बाद में दे देगा, तो ये भी ध्यान देना कि आई कहाँ होगा ई कहाँ पे होगा, ठीक है बच्चे। डिसडेनफुल ऑलरेडी इसमें मेंशन भी था और यहाँ दिया भी गया है, अच्छा वर्ड है बच्चे। एगोटिस्टिक प्यारा वर्ड है, एरोगेंट खैर यूजुअली बच्चों को पता होता है तो ये तो खैर पता ही पता है, ठीक, ये तो हो गया। अब अगर बच्चे हम इसके एंटोनिम की बात कर लें तो एंटोनिम देखो क्या हो जाएगा, मीक हो जाएगा बच्चे, मीक, मीक मतलब क्या होता है,
मीक मतलब हम कह सकते हैं बच्चे सबमिसिव, बड़ा प्यारा वर्ड है, पूछा जाता है सबमिसिव। सबमिसिव मतलब दब्बू, यहाँ पे जो एरोगेंट होते हैं या जिनको हम बोलते हैं कंसीटेड, एक वर्ड वहाँ पे भी है इसका सिमिलर वर्ड, ध्यान देना ठीक है, इस पर भी जोर दिया करें आप लोग। यहाँ पे क्योंकि लिखा होता है तो इसलिए मैं उसको बोलता नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को बोलता हूँ क्योंकि ये मुझे लिखना होता है और मैं लिखता हूँ, तो ये भी जोर देना है आपको भाई। यहाँ ऑलरेडी लिखा होता है तो मुझे इतना अंडरस्टूड करता हूँ भाई, बच्चे इसको पहले से देख लिए होंगे ठीक है स्लाइड के ऊपर। तो बच्चे यहाँ पे जो मीक होता है ना, मीक मतलब सबमिसिव होता है, मीक मतलब मॉडेस्ट हम बोल सकते हैं, या इसको हम टिमिड बोल सकते हैं, दब्बू डरपोक फट्टू ऐसे लोग बोलते हैं ना ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जो बच्चे एरोगेंट होते हैं, घमंडी होते हैं ना, वो मतलब थोड़ा ढीठ होते हैं ठीक है, वो मतलब कहीं पे मतलब तरीके से बेशरम होते हैं, ढीठ होते हैं, अगर कोई भी चीज़ है वहाँ से हटते नहीं, डट के खड़े रहते हैं। और उसका उल्टा देखेंगे तो जैसे मीक हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, शाई हो जाएगा, यहाँ पे ये वर्ड बच्चे ध्यान रखना ठीक है। बाकी तो ये अगर मैं मॉडेस्ट की बात करूँ तो पता ही होता है, टिमिड भी पता होता है, बाकी ये जो वर्ड है ना आपका सबमिसिव, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये जो मीक वर्ड है बच्चे, ये शब्द ध्यान रखना ठीक है, प्यारा वर्ड है ये, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, पूछा जाता है, क्लियर। तो बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अगला वर्ड है एनलाइवन। एनलाइवन का मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ को सजीव करना, जैसे मेक समथिंग मोर एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग आर अपीलिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या बना देना, एंटरटेनिंग बना देना, उसको अम्यूजिंग बना देना, इंटरेस्टिंग बना देना और अपीलिंग। अपीलिंग मतलब अपीलिंग का मतलब होता है बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक तरीके से, उसको अपीलिंग बनाने का मतलब हुआ कि उसको इतना एंटरटेनिंग बना देना है, इतना इंटरेस्टिंग बना देना है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बच्चे इसको चीयर बोलते हैं ठीक है, चीयर हो गया। और एक दो वर्ड देखिए मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ आपको, एक तो चीयर, स्टिमुलेट, बच्चे ध्यान दीजिएगा ये पूछा जाता है वर्ड, स्टिमुलेट ठीक है, रेजुविनेट ये भी ध्यान देना है आपको ठीक है। एक वर्ड देखिए यहाँ पे बच्चे पहले से था चीयर, और एक वर्ड ध्यान देना है आपको स्टिमुलेट, और तीसरा वर्ड है रेजुविनेट, और ये तीनों ही शब्द बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन अगर मैं चीयर वर्ड की बात करूँ तो बच्चे ये यूजुअली आप लोग को पता होगा, तो ये दोनों ध्यान रखना है, स्टिमुलेट और रेजुविनेट। अब अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें जी, तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, एंटोनिम में बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जॉस्ट ठीक है, दूसरा डिसहार्टन, तीसरा डिटेरियोरेट राइट। देखो जी अब यहां पे हम बच्चे बात कर रहे हैं चीयर की, चीयर मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हैप्पीनेस ठीक, हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेट या रेजुविनेट की राइट, तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा एग्जॉस्ट ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब हम कह सकते हैं जो टायर्ड हो, थका हुआ ठीक है। डिसहार्टन का मतलब होता है बच्चे हैविंग लॉस्ट होप एनर्जी राइट, जो इंसान अपनी कॉन्फिडेंस अपना होप और एनर्जी खो देता है उसको हम डिसहार्टन बोलते हैं। और डेट्रियोरेट का मतलब होता है बच्चे ना, यू कैन से गेट वर्स, कोई चीज़ जो बद से बदतर हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है, कोई चीज़ एंटरटेनिंग है, कोई चीज़ स्टिमुलेट है, तो भाई हम उसके लिए ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है, तो ये इनके अपोजिट हो गए। तो इनको ध्यान देना है आपको कि अगर कभी एनलाइवन, ये वर्ड बच्चे एनलाइवन है, एनलिवन मत पढ़ना, दैट इज एनलाइवन, अगर कभी भी एनलाइवन का हमसे अपोजिट पूछता है तो ये ध्यान रखना है, अगर कभी सिनोनिम पूछता है तो ये, क्लियर। अब आते हैं बच्चे सुपरएनुएटेड। सुपरएनुएटेड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पुरानी हो जाए, मतलब आउटडेटेड हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है आउटडेटेड आर अपसलीट, अपसलीट मतलब भी होता है बेटा ओल्ड फैशन ठीक है, थ्रू एज आर न्यू डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक लिखा है रिटायर्ड ठीक है, अब जो चीज़ रिटायर्ड क्या होती है, जो रिटायर कौन होता है, आपका रिटायरमेंट का टाइम कब आएगा, जब आप पुराने हो जाएंगे ठीक है। तो वो यही कहना चाहता है कि भाई आउटडेटेड, तो रिटायर्ड हम बोल सकते हैं, तो एक वर्ड यहाँ पे पहले से है दैट इज़ आउटडेटेड, ये भी ध्यान देना, ये भी वर्ड पूछा जाता है आपका अपसलीट, उसके साथ बच्चे ध्यान देना ओल्ड फैशनड, ये भी पूछता है। एक वर्ड है बच्चे एंटीक्वेटेड, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको नहीं पता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी शब्द है जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि रिटायर्ड बच्चों को पता ही है, आउटडेटेड पता ही है, अपसलीट अगर नहीं पता हो ध्यान देना बेटा इसका, ओल्ड फैशन तो पता ही है, एंटीक्वेटेड अगर नहीं पता हो तो ध्यान देना ठीक है।
तो बाकी यहाँ पे दो ही शब्द हैं जो आपको थोड़ा सा दो चार बार रिवाइज करना है, बाकी तो आपको पहले से ही पता है। ठीक, अगर हम इसके बच्चे एंटेनिम की बात कर लें, ये तो सिनोनिम हो गया। तो एंटेनिम में देखिए आपका एक ये हो जाएगा मॉडर्न, आप लिख लेना, ठीक है, और एक वर्ड है बच्चे कंटेम्प्ररी। क्लियर, तो एक वर्ड हो गया हमारा कंटेम्प्ररी और दूसरा हो गया मॉडर्न। क्लियर हुई बात, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। बेकन, बच्चे बेकन का मतलब होता है इशारे से बुलाना, इसको हम लोग बेकन पढ़ेंगे, बेकन होता है, राइट। तो ईडी जुड़ गया, दैट इज बेकन। बेकन का मतलब इशारे से बुलाना। यहाँ पे लिखा ना बच्चे समन, समन, समन मतलब होता है जैसे कि उनको समन भेजा गया, समन भेजने का मतलब उनको बुलावा भेजा गया, उनको बुलाया गया। तो एक तो कॉल्ड हो गया, कॉल मतलब बुलाना हो गया, ये इसका सिमिलर वर्ड हो गया। एक वर्ड बच्चे ध्यान देना इंटाइस, इंटाइस इसका सिमिलर वर्ड होता है। और साथ में एक ध्यान देना है बच्चे कोक्स, ठीक है, कोक्स, इंटाइस, कॉल्ड, और यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ये वर्ड भी लिख सकते हैं समन। तो अगर इसका सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम पूछा जाएगा बेकन का तो इंटाइस, कोक्स या समन, ठीक है। अब बात आती है बच्चे इसके एंटोनिम की। तो अगर इसके एंटोनिम की हम लोग बात करें तो एक वर्ड आपने लिख लेना है रिपल्स, और रिपल्स के साथ बच्चे एक वर्ड लिख लेना है रिपेल, रिपेल, राइट। तो ये हो गया इसका अपोजिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे अक्यूज्ड, देखिए अक्यूज्ड यूजुअली सभी बच्चों को पता होता है कि भाई अक्यूज्ड मतलब होता है ब्लेम करना किसी को। अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्लेम करना, ठीक है। जैसे अ पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज्ड विद आर ऑन ट्रायल फॉर अ क्राइम, मतलब इंसान किसी भी क्राइम के लिए अगर उसे चार्ज किया गया है, ठीक है, क्राइम के लिए अगर वो ट्रायल पे है तो उसे हम दोषी बोलते हैं, अक्यूज बोलते हैं। तो एक वर्ड जो बच्चे यहाँ पे लिखा है दैट इज इंडाइटेड, ठीक है, इंडिक्टेड मत पढ़ना, दैट इज इंडाइटेड, जिसमें सी साइलेंट होता है। खैर पढ़ना किसी तरीके से, ये मैं बस बताता हूँ कि सही प्रोनंसिएशन भी करना इंपॉर्टेंट है, याद होना, एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए याद होना इंपॉर्टेंट है। तो इंडाइटेड के बाद बच्चे हम यहाँ पे ब्लेम लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड के साथ हम बच्चे एक वर्ड लिख सकते हैं इम्पीच, इम्पीच। तो ये वर्ड यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि बच्चे अगर मैं बात करूँ ब्लेम तो यूजुअली तुम लोग को पता होगा, तो ये दो शब्दों को बेटा ध्यान रखना, ठीक है, एक इंडाइटेड हो गया, दूसरा हमारा इम्पीच हो गया, ठीक है। अब बात आती है बच्चे इसके एंटोनिम की। तो एंटोनिम में देखो एक तो इसका एक वर्ड होता है एग्जोनरेटेड, ठीक है, एग्जोनरेटेड, और एक हो गया बच्चे विंडिकेट, विंडिकेट, एक वर्ड हो गया हमारा एब्जॉल्व, एब्जॉल्व, और जस्टिफाई लिख सकते हैं बच्चे हम, ठीक है, जस्टिफाई लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये शब्द को ध्यान रखना है, एग्जोनरेटेड हो गया बेटा, इंडिकेट हो गया, एब्जॉल्व हो गया और जस्टिफाई हो गया। और अगर आपको ध्यान होगा बेटा, ये जो एग्जोनरेटेड वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ऑलरेडी हम लोग एग्जोनरेटेड वर्ड डिस्कस कर चुके हैं, राइट, एग्जोनरेटेड वर्ड हम लोग बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, अगर आपको ध्यान होगा तो, जहाँ पे मैंने आपको ये सारे के सारे सिनोनिम्स बता दिए थे, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था, एक आप लिखना चाहो तो लिबरेट लिख सकते हैं, ठीक है, लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र, ठीक है। जहाँ पे हमने आपको बताया था आप एक्वेट लिख सकते हैं। तो ये शब्द अगर आप पहले से, यानी मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर भाई आप इस पूरे शो को फॉलो कर रहे हो, वो कैब जो शो चलता है आपका यूट्यूब के ऊपर, तो आपने ये वर्ड किसी न किसी सेशन में मैंने आपको बताया था एग्जोनरेटेड, और वहीं पे मैंने एग्जोनरेटेड का मैंने बताया था सिनोनिम्स होता है विंडिकेट, एब्सॉल्व, जस्टिफाई, एक्वेट, लिबरेट, फ्री, राइट। तो बच्चे देखो अगर एग्जामिनेशन कभी एग्जोनरेटेड पूछा और इसका सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम पूछा, तो इसमें से कोई भी वर्ड हो सकता है। अगर मान लीजिए ये इसका एंटोनिम पूछता है तो इसमें से कोई वर्ड हो सकता है। अगर इसका इंडाइटेड का सिनोनिम पूछता है तो भाई अक्यूज हो सकता है या ब्लेम्ड हो सकता है या इम्पीच हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना, अगर इसका एंटोनिम पूछेगा तो इसमें से कोई हो सकता है। और इसमें सारे के सारे वर्ड बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, अगर फ्री को छोड़ दिया जाए, लिबरेट को छोड़ दिया जाए, यूजुअली लोगों को पता होता है, जस्टिफाई भी पता होता है, तो आप एग्जोनरेटेड, विंडिकेट, एब्जॉल्व और एक्वेट वर्ड को ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बच्चे जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे देखो जैसा कि दोषी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये उसका अपोजिट हो गया ना, क्योंकि विंडिकेट, एब्जॉल्व या एग्जोनरेटेड का मतलब होता है भाई जस्टिफाई करना, न्याय देना। जब हम किसी को न्याय देते हैं तो उसको स्वतंत्र कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। अगले वर्ड की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के सामने। ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चे परिवर्तन काल, परिवर्तन काल का मतलब जो चीज़ें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जैसा कि लिखा है द प्रोसेस आर पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट आर कंडीशन टू अनदर, जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाती है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदल जाती है, उसे हम लोग चेंज कहते हैं, यानी परिवर्तन।
इसका अगर हम बात करें बच्चे सिमिलर वर्ड का, तो इवोल्यूशन ध्यान रखिएगा, और इवोल्यूशन के साथ बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन राइट। जैसे लोग ट्रांजिशन वीडियो नहीं बनाते हैं, वो जो टिकटॉकर्स थे या रील्स पे लोग ट्रांजिशन वीडियो बनाते हैं, तो ट्रांजिशन वीडियो में क्या होता है, जैसे सपोज कि अगर उसने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है तो अब वो ऐसे निकालता जाता है, तो जैसे ब्लैक से ब्लू हो जाएगी, फिर ब्लू से मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता, तो ब्लैक से ब्लू हो जाएगी, फिर रेड हो जाएगी, तो डिफरेंट कलर्स, तो वो ट्रांजिशन होता है। तो बच्चे ट्रांजिशन का मतलब सिंपल सा समझो, परिवर्तन। ठीक, अगर हम इसके अपोजिट अगर पूछ देता है कि भाई एवोल्यूशन दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, या चेंज या ट्रांजिशन दे दिया, और इसका अपोजिट पूछ दिया, तो बच्चे स्टैग्नेशन ध्यान रखना, ठीक है, और स्टैग्नेशन के साथ बच्चा डिक्लाइन याद रखना। तो ये होता है, मतलब अगर वहाँ पे हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसी परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, अनचेंज्ड, जो चीज़ जिस चीज़ में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो स्टैग्नेशन हो गया आपका, डिक्लाइन हो गया। अगर बच्चे हम बात करें डेक्रिपिट्यूड, तो डेक्रिपिट्यूड का मतलब होता है जो चीज़ कमज़ोर होती है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो चीज़ बच्चे वीक होती है, ठीक है, जो ईजी टू ब्रेक, जो चीज़ वीकनेस हम इसको बोल सकते हैं। द स्टेट ऑफ बींग डेक्रिपिट ऑन आउट आर रियूंड बिकॉज ऑफ एज आर निगलेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बच्चे ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ फीबलनेस, फीबल मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, कमजोर हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेल एक वर्ड होता है बच्चे, बहुत पूछा जाता है। फ्रेल के साथ एक वर्ड ध्यान दीजिए, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल पूछा जाता है। तो फ्रेल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, फीबल हो गया, ठीक है, ये होता है डेक्रिपिट्यूड, डन। अच्छा जी, अगर बच्चे हम इसके एंटेनिम की बात कर रहे हैं कि भाई अगर इसके हम एंटेनिम की बात करेंगे, तो इसका एंटेनिम हो जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। एक बच्चे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ड है आपका डिलैपिडेशन, ठीक है, इसको आप लिख लेना, डिलैपिडेशन, ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना। एक इन्फर्मिटी भी लिखना हो लिख लेना, इन्फर्मिटी, जैसे ये होता नहीं बच्चे, अगर इसका अपोजिट बात करें तो फर्म लिख सकते हैं, फर्म मतलब जो चीज़ दृढ़ हो, मजबूत हो, ठीक है, जो चीज़ स्ट्रांग हो, अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो ना, स्ट्रांग। लेकिन खैर ये सब इतने आसान शब्द हैं, तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने फर्म लिख दिया, फर्म का उल्टा इन्फर्मिटी लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्म के साथ यहाँ पे बच्चे मैं वीक लिख दूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्ट्रांग लिखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वीक लिख दिया, डन। और स्ट्रेंथ लिख दिया, स्ट्रेंथ लिख दिया, तो ध्यान देना फ्रेल हो गया, फ्रेजाइल हो गया, डिलैपिडेशन हो गया, ये प्यारा वर्ड है बच्चे, ध्यान देना इसको, ठीक है, ये वाला शब्द। और बाकी इन्फॉर्मिटी है, स्ट्रांग है, ये तुम लोगों को पता ही है। और यहाँ पे डेक्रिपिट्यूड, ये तो याद ही करना है बेटा आप लोगों को, ठीक है, प्यारा वर्ड है ये। और ये फीबल, फीबल हो गया आपका, फ्रेल हो गया, फ्रेजाइल, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बारी पूछा गया, ठीक है। तो ये आप शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये इसके सिनोनिम्स हैं, और बच्चे ये इसके एंटोनिम हैं, डन। क्या आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, अभिषेक की तरह 34th रैंक होना चाहते हो, या फिर शिवम की तरह 41, और आपने ग्रामर तो प्रिपेयर कर लिया स्मार्ट बुक से, और वोकैब को लेके बहुत परेशान हो कि 10,000 वर्ड्स याद करें, 15,000 वर्ड्स याद करें, 20,000 वर्ड्स याद करें, उनको रिटेन कैसे करें? यार देखो, तैयारी तो सब कर लेते हैं, तैयार तो 4-4, 6-6 किताब कर लेते हैं, पर कितने समय में तैयार कर रहे हो, साल भर में, 2 साल में, या फिर 4 साल में? ट्राई करें वोकैब प्लानर, ये सिर्फ आपकी वोकैब ना 90 डेज में प्रिपेयर कराएगा, और पूरे के पूरे 9,000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स 90 डेज के सिस्टमेटिक प्लान में डाला गया है। तो देर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बुक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके सारे वो कैपिटल प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होगी 90 डेज के अंदर।